We are tracking a breaking news coming in on the broadcast. In the Bihar Bridge collapse case, the engineer in charge has been suspended. This is the latest that we're tracking at this point in time, viewers. In the Bihar Bridge collapse case, the engineer in charge has been suspended and a show cause notice has been sent to the construction firm. A 15-day deadline has been given to the construction firm and the Bihar government is seeking a detailed report on the same. On that note, I'm joined by my colleague Saket with us on the broadcast. Saket, good morning. Kaha ja raha hai ki jo engineer in charge the is Bihar Bridge ke construction mein, unko suspend kar diya gaya hai aur ek show cause notice bhi sent ho chuka hai unki construction firm ko. देखिए बिल्कुल कल बिहार सरकार ने ये जारी किया है जो खगड़िया जहां पर ये ब्रिज है वहां पर जो कार्यपालक अभियंता जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसको तत्काल वहां पर सस्पेंड किया गया है और सरकार के तरफ से भी एसवी सिंगला कंपनी जो इस पुल का निर्माण करा रही थी उसको सोकाउज किया गया है और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है कंपनी से कि आप जवाब दीजिए कि आखिर ये पुल क्यों गिरा, दोबारा इसको बनाने के बाद भी पुल गिरा है, इस पर जवाब देने के लिए कहा गया है और अगर जवाब समय पर नहीं मिलता है और सही जवाब नहीं होता है तो ऐसे में जो 200 करोड़ की जो बैंक गारंटी कंपनी ने सरकार के लिए रखी है वो 200 करोड़ जब्त करेगी सरकार और इसके अलावा भी 400 करोड़ रुपए का फाइन इस कंपनी पर सरकार करेगी, यानी कि टोटल 600 करोड़ रुपए की वसूली इस कंपनी से सरकार करेगी अगर जवाब सही से नहीं आया। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर एक PIL भी पटना हाईकोर्ट में दायर किया गया है जिसमें ये सवाल उठाया गया है कि आखिर ये जो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला है और दोबारा पुल गिरा है इसकी वजह क्या है और सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन ले रही है। तो ये तमाम जो अपडेट है वो इस पूरे मामले पर अब तक सामने आया है क्योंकि सरकार इस पर जिस तरह से किरकिरी सरकार की हुई है, भ्रष्टाचार का जो ये पूरा मामला उजागर हुआ है, तो ऐसे में अब सरकार जल्द से जल्द एक्शन के मोड में है ताकि एक मैसेज दिया जाए कि इन लोगों से इस कंपनी से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, उसकी कोई मिलीभगत नहीं है। जी, थैंक यू साकेत फॉर बीइंग विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट एंड ब्रिंगिंग अस द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन द सेम।